छोड़ो छुआछूत भेदभाव छोड़ो, कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। पीटो लकीर नहीं बुद्धि अपनी साफ करो, कौन है ऊंच नीच गौर से इंसाफ करो। भूत प्रेत ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक गुलामी है। दूसरों का भविष्य बताता है, अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बता पाया? अब हम अपने मन का गाएंगे, अपना मन का बजाएंगे, अपने मन से शादी करेंगे। चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, और महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। जो मैंने नहीं किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ना घर बसा हमारा, ना घर बसेंगे तुम्हारा। और जब भी शादी का सीजन आएगा तो लाग डालोगे दोबारा। आजकल एक बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, पर्चा वर्चा निकाल के भविष्य बता देते हैं। वो बागेश्वर धाम, हाँ। वो बागेश्वर धाम 26 साल का लड़का है, वो बता रहा हमारे पर बालाजी थे कौन, वो भी दलित समाज से थे, हनुमान। वो कुछ नहीं है, ये एक कला है, वो हमारे पास भी। इतने लोग खड़े हो, आप पर्ची हमको दीजिए, हम बता देंगे तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं, हम बता देंगे अभी तत्काल में। ये वो सनातन धर्म, वो अयोध्या में जो मंदिर बनना है वो सनातन धर्म, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। अच्छा। उसका भंडाफोड़ हो चुका, वो सनातन धर्म फैला रहा है। सनातन धर्म क्या है? क्योंकि 1913 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, ये साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद में ये वहाँ से आए, ये ब्राह्मण है जो, उसी की देन है। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बम्बई में, हाथ का पंजा तो ऐसे करता है पंजा। देखिए क्षत्रिय वेश ब्राह्मण शूद्र वर्णचारी है, वो हम लोगों को बरगलाता है। भूत प्रेत ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक गुलामी है। ये जो कहते ना कि बता देता है, ये एक मानव विज्ञान जो नहीं होता, मैथ, ये मैथ ट्रिक होती है। सुहानी शर्मा को जानते हो? उसने भी यही किया है, उसने 25 साल ये मतलब जादू सीखा है, ये जादू एक ट्रिक है, एक इमेजिन है। हाँ, बता देगा आपको कि आपके घर में क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है। और ये कहता बागेश्वर धाम, तो इसका भाई अभी घर के एसटी में गया था बारात में, वहाँ गाली गलौज किया और कट्टे से मतलब कट्टे की बर्दाश्त कर रहा था। तो ये कहाँ से, उसने अपने मतलब भाई का भविष्य क्यों नहीं बता पाया? कहाँ रहा भाई अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं, दूसरों का भविष्य बताता है, अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बता पाया? दूसरा एक से एक जो है ढोंगी बना रहा बाबा ढोंगी है एक। दूसरा वो गुंडा है, तमंचा किसी की मतलब हमारे लोगों समाजों के बीचों में जाके तमंचा दिखाना, सिगरेट पकड़ना, ये कहता गाना, ये गाना जो हम कहेंगे वो गाओगे। क्या देश हमारा आज़ाद हो चुका है? अब हम अपने मन का गाएंगे, अपना मन का बजाएंगे, अपने मन से शादी करेंगे, उसकी इच्छा से उसके गेस्ट हाउस में शादी नहीं करेंगे, उसकी इच्छा से हम गाना नहीं बजाएंगे। जो हमको अच्छा लगे, जो अधिकार मिले, जो हमको सम्मान देता है, जो संविधान कहता है, वही हम करेंगे। किसी के क्या कहेंगे? अभी SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। देखिए ये जो सरकार है ये हम लोगों को दबाना चाहती है। रूल फॉर डिवाइड अंग्रेजों ने चलाया था 1765 में, रूल फॉर डिवाइड फूट डालो राज करो। देखो 1765 में किया था उन्होंने रूल फॉर डिवाइड फूट डालो राज करो। हम लोग संख्या में अधिक है लेकिन हम लोग मानसिक गुलाम है, हम लोग मानसिक गुलाम है, धन से मन से, लेकिन हम लोग मन से गुलाम है। गुलामी क्या चीज़ होती है? गुलामी दो प्रकार की होती है, एक मानसिक गुलामी होती है और एक आर्थिक गुलामी होती है। हम लोग क्या मानसिक गुलाम है, हम लोग मानसिक गुलाम, हमारे मन में बैठ गया हम नीच है। हम नीच नहीं है, हम इस देश के शासक है। बाबा साहब ने क्या कहा था, जिस देश का शासक अपना इतिहास नहीं जानता, जो अपना इतिहास नहीं जान पाता वो कभी शासक नहीं बन पाता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, तुम जंगल में देखो शेर होते हैं, जंगल का राजा शेर ही के होता है, बड़ा तो जीराफ होता है, और शरीर में हाथी होता, रफ्तार में घोड़ा, वो क्या नाम चीता होता, लेकिन जंगल का राजा शेर ही के होता, क्योंकि उसको पता होता मैं राजा हूँ और मुझे पता है राजा है। बाबा साहब ने आपको राजा बना दिया लेकिन आपको पता ही नहीं राजा आप हो क्या हो बाबा। अधिकार अधिकारी मांगता है और भीख भिखारी मांगता है। बाबा चचक वोट दे दो, हमें कुछ दे दो वोट, तुम्हारा अधिकार। एक वोट की कीमत होती 1100 रुपया, अब 5 साल में जोड़ी कितना बना है। ये वोट नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा के पेट से नहीं, अब पेटी से होगा, लेकिन हम लोग भूल बैठे हैं। और योगी जी ने क्या लगा दिया, योगी जी ने क्या किया, देखिए अभी एक छोटा सा चुटकुला है। योगी ने क्या किया, ये प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया योगी जी ने, ये देख कर लैला मजनू की आत्मा रोती होगी। योगी जी ने क्या कहा, प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा और महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा और महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। जो मैंने नहीं किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ना घर बसा हमारा, ना घर बसेंगे तुम्हारा। और जब भी शादी का सीजन आएगा तो लाग डालोगे दोबारा। छोड़ो छुआछूत भेदभाव छोड़ो,
छोड़ो छुआछूत भेदभाव छोड़ो, कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। पीटो लकीर नहीं बुद्धि अपनी साफ करो, कौन है ऊंच नीच गौर से इंसाफ करो। सभी इंसान जन्म एक तरह लेते हैं, फर्क नहीं सभी एक तरह मरते हैं। सही पूछो तो मनुष्य जाति एक होती है, जाति का चक्र चला करके लूट होती है। इन्हीं अमीरों का तिकड़म है चूसने के लिए, सरासर जाल है गरीब लूटने के लिए। आवे समझ में तो जातियों को तोड़ो, कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। बना के जाति अनेकों हमें बिखेर दिया, एक ना रह सके इसी से हमें फेर दिया। बना था संगठन जो हमारा उसे तोड़ दिया, सबका रास्ता अलग अलग मोड़ दिया। हुए कमजोर सभी संगठन जो टूट गया, उसी समय से सभी गरीबों का हक लूट गया। किया अधिकार मेरी जर जमीन दौलत पर, जरा भी रहम नहीं आई मेरी हालत पर। करो थोड़ा मंथन तब सार को निचोड़ो, कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। हुए बर्बाद राह दूसरी पकड़ करके, मिलेगा चैन नहीं जिंदगी में मर करके। समझ में आ गया कि जाल कहाँ, समझ में आ गया कि जाल कहीं बट्टा है। मलाई उड़ती इधर उधर केवल मट्ठा है। चलो अब जात मिटाने के लिए निकल पड़े, गिरे भाई को उठाने के लिए निकल पड़े। यही है फर्ज गरीबों को उठाते ही रहो, बना के संगठन इसी को चलाते ही रहो। कहे प्रेमी कभी संगठन न तोड़ो, कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। नीला झंडा हाथी निशान, VSP की यही पहचान। हाथी पर मोहर लगाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री 24 में बनाना है। धन्यवाद। देखिए बहुजन समाज है लगातार एक ही आस और एक ही उम्मीद लेकर जी रहा है कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।